राधे राधे दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है 2023 की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 6 या 7 दिसंबर को कब है, बहुत लोगों में ये संशय बनी हुई है। दोस्तों बात करेंगे वीडियो में, बताएंगे आपको शुभ मुहूर्त। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में भी। सभी सनातन भाई बहनों के लिए जन्माष्टमी का जो त्यौहार है ये बहुत ही विशेष त्यौहार है। इसमें हमारे श्री कृष्ण जी कान्हा जी का जन्म हुआ था। दोस्तों आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण भगवान आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके घर में खुशहाली दें, आपकी तरक्की करें, बरकत करें आपके घर में। दोस्तों अष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा की जाती है, साथ ही भाद्रपद के महीने में कृष्ण अष्टमी है तो ये अति उत्तम है। दोस्तों ये जो भाद्रों का महीना होता है ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय होता है और अन्य देवताओं को भी बहुत ही प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में हुआ था। इस रात साक्षात योग माया रात्रि के रूप में विद्यमान रहती है। जो भी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, माता योग माया उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। दोस्तों जो रोहिणी नक्षत्र है वो शुरू होगा 6 तारीख सुबह 9 बजे से 8 तारीख सुबह 10 बजे तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। अष्टमी की शुरुआत 6 तारीख को दोपहर के 3 बजे से शुरू होगी और 7 तारीख को सुबह 10 बजे तक रहेगी। दोस्तों बात करते हैं अष्टमी की पूजा आपको कब करनी है। 6 तारीख रात के 11 बजे से 12:45 तक शुभ मुहूर्त आपकी पूजा का रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का श्रद्धालु व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और रात्रि के जो समय में आप व्रत खोलोगे, पूजा पाठ करोगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं। क्योंकि दोस्तों चंद्रदेव जो है रात के 12 बजे के आसपास निकलते हैं तो रात के 12 बजे ही आप अपना व्रत खोलना। दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आपको 6 तारीख को करना है। दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त व्रत का मुहूर्त 6 तारीख का है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भगवान श्री कृष्ण आप पर सदा कृपा बनाए रखें। आप सभी को जय माता की, जय माता की, हर हर महादेव।